कांग्रेस संसदीय दल और सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हो रही है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है। 10 जनपद पर सीपीपी की यहां पर बैठक बुलाई गई और इसी के साथ ही संसदीय रणनीति समूह से यहां पर जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी यहां पर बैठक होगी और इसी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर 4:00 बजे बैठक होनी है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस की ये बैठक है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। चुनावों में मिली हार पर यहां पर मंत्रणा करेंगी प्रियंका। और हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। रवि, करारी हार तब प्रदेश के चुनावों में बल्कि पंजाब जहां पर सरकार थी कांग्रेस की वहां पर भी काफी बुरा हारी कांग्रेस और सभी 5 राज्यों को लेकर जो मंथन हो रहा है किस तरीके से आज तस्वीर होगी वहां पर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि करारी हार कांग्रेस पार्टी को इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। तो आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई। पहली बैठक 10 बजे से है, जो सीपीपी की बैठक है, जो संसदीय रणनीति समूह है उसकी बैठक होगी, क्योंकि जो दूसरा चरण है बजट सत्र का वो शेष रह रहा है, वो शुरू होगा। तो उसमें संसद में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी कैसी होगी, रणनीति कैसी होगी, इस पर चर्चा होगी। दूसरी जो बैठक है सीडब्ल्यूसी, जो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी इकाई है, मजबूत इकाई है, उसकी बैठक 4:00 बजे से होगी कांग्रेस मुख्यालय में। इस बैठक में चर्चा की जाएगी 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के ऊपर और जिम्मेदारियों के ऊपर भी, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हैं हार या जीत की। तो ऐसे में करारी हार मिली है तो जो तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर नहीं लेंगे, इस ये भी विषय एक बड़ा विषय है इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में देखने लायक। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो G23 का एक समूह है, जो बागी समूह है कांग्रेस पार्टी का, उसमें से जो नेता हैं वो भी सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, तो वो भी शामिल होंगे, वो अपनी बात रखेंगे। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी में जल्द ही चुनाव कराने की मांग कराई जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव कराया जाए और जिम्मेदारी सौंपी जाए। और जो बात है कि जिम्मेदारी किसकी होगी, जो हार हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सचिव, इन तमाम नेताओं के ऊपर भी गाज गिर सकती है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। और आगामी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, इन सब विषयों पर अगर समय मिलेगा तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह है कि काफ़ी गर्म होने वाला है सीडब्ल्यूसी का बैठक का माहौल, क्योंकि चुनाव में करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस पार्टी को। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो तमाम सूबे थे, वो कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और बहुत ही ज़्यादा जो है शर्मनाक हार मिली है। तो ऐसे में इस बैठक में मंथन किया जाएगा और जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, जवाबदेही भी सौंपी जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरे देश पर चुनाव लड़ा रहे थे, तो नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में तमाम राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो इस्तीफा देते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। और इस मामले पर जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस विषय को उठाने वाले हैं। तो आज देखिए वहां पर रवि, आज बड़ी बैठक कांग्रेस करी और ऐसे में आज 5 बजे भी बैठक है और 2 बैठकें वहां पर हैं अलग अलग वक्तों पर। बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से एक बैठक शुरू होगी, यानी कि ये कहा जाए कि अब से कुछ मिनटों के बाद से बैठक शुरू होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी। संसद में जो बजट सत्र का जो दूसरा भाग रह रहा है वो शुरू होने वाला है, उसमें क्या संसद में रणनीति होनी चाहिए उस पर, और जो चुनाव हुई है, चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है उस पर बैठक होगी कि जिम्मेदारी किसकी है, किसके निगेवानी में चुनाव लड़ी गई थी और जिम्मेदार कौन लोग हैं इस करारी शिकस्त के पीछे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो लगातार प्रियंका गांधी जिस तरह से सक्रिय थी, नए नए तौर तरीके इस्तेमाल किया गया, नए जो है मेथड इस्तेमाल किया गया, एक प्रयोग किया गया उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को 40% भागीदारी दी गई, 40% टिकट दी गई, तमाम वंचित वर्ग थे जो जिन्हें दबाया गया था, कुचला गया था, उन तमाम वर्ग से नेताओं को निकाला गया, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, उसके बावजूद भी बुरी हार मिली। तो ये तमाम रणनीति बनाने के बावजूद भी जो करारी शिकस्त मिली है उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिरकार क्या कारण रह गए जिसकी वजह से इतनी बुरी हार कांग्रेस पार्टी को देखने को मिली है। तो इन तमाम विषयों पर जो है मंथन होगी और जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और कई इस्तीफे भी आज हो सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो यूपी